बनी। मैं हुनर भानेज आप सभी को राजस्थानी लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरी कथा का शीर्षक है मूर्ख बुढ़िया और चालाक ठग। राजस्थान के एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत कंजूस थी। एक दिन एक ठग ने उसे ठगने की ठान ली। वह शाम को सैनिक के कपड़े पहनकर अम्मा के पास जाता और कहता, अम्मा मैं सीमा से लौट रहा हूँ, मुझे घर जाना है पर अंधेरा हो गया है, क्या आज रात आप अपने घर पे मुझे ठहरने देंगी? अम्मा कहती, ठीक है। फिर अम्मा उसे सोने के लिए बिस्तर दे देती। फिर वह सैनिक कहता, अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? अम्मा कहती, नहीं बेटा मेरे घर पे राशन खत्म हो गया है, मैं खुद भूखी हूँ, तुम्हें क्या खिलाऊंगी? फिर वह सैनिक इधर उधर देख कर कहता, अम्मा मैं उस बिना मुँह की कुल्हाड़ी का दलिया बना लेता हूँ। अम्मा कहती, वो कैसे? तो फिर वह सैनिक कहता, आज मैं आपको चखाता हूँ। अम्मा फिर वह सैनिक वह बिना मुँह की कुल्हाड़ी को लेकर अच्छे से धोकर तपेली में पानी के साथ चढ़ाकर चूल्हे पर चढ़ा देता है। फिर वह ऐसे हिलाता है जैसे ही कोई स्वादिष्ट पकवान बन पक रहा हो। फिर वह कहता, अम्मा अगर इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गेहूँ शक्कर और घी हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। फिर वह अम्मा सोचती कि आज लगता है कुछ अच्छा ही बनाएगा, चलो दे देती हूँ। फिर वह अम्मा वो तीनों चीजें उस सैनिक को लाकर दे देती है। फिर वह सैनिक वो डाल देता है और हिलाकर चखता है और कहता है, वाह क्या स्वादिष्ट दलिया पक रहा है। फिर वह अम्मा से कहता, अम्मा जाइए दो थालियां लेकर आइए, पकवा हमारा दलिया पक गया है। फिर अम्मा वह थालियां लेकर आ जाती है और इसी तरह अम्मा मूर्ख बन जाती है क्योंकि बिना मुट्ठ की कुल्हाड़ी तो नीचे ही तले पर जम जाती है और ऊपर स्वादिष्ट दलिया पक जाता है। धन्यवाद।